पंज समय दे नाल चलना। इस कहानी विच कहानीकार ने बुजुर्गां नूं सुझाया कि उन्हां नूं समय दे नाल नाल चलना चाहिदा है। जेड़े समय दे नाल नहीं चलदे पिछे रह जांदे हन जां अपनी औलाद दी नफरत दे पात्र बन जांदे हन। इस कहानी दा पात्र प्यारा सिंह इस दी जिंदा मिसाल है। प्यारा सिंह 65 साल दा बुड्ढा सी। इस उम्र विच भी उस दी काठी तकड़ी सी। उस दा कद काठ लंबा सुंदर ते सुडौल शरीर सी। उस दा एक मुंडा सी जगजीत सिंह। जगजीत सिंह दियां अगो चार कुड़ियां ते सब तो छोटा एक काका सी। जगजीत सिंह दा छोटा काका अक्सर बीमार रहंदा सी। उन्हां ने बथेरे डॉक्टरां हकीमां नूं विखाया पर आराम नहीं सी आया। जगजीत सिंह कचहरी विच नौकरी करदा सी। उस दी आमदन बहुत घट सी। प्यारा सिंह दी अपनी कोई जमीन जायदाद भी नहीं सी जिस नाल ओ अपने मुंडे दी मदद कर सकदा। काके लई दवाई रोज शहरों लियानी पैंदी सी। जगजीत सिंह आप तां कचहरी चला जांदा, पिछों प्यारा सिंह नूं कह जांदा, बापू जी काके दी दवाई तुसी ही लै आयो। प्यारा सिंह पैदल ही शहर नूं चला जांदा। शहर उन्हां दे पिंड तों 5 किलोमीटर दूर सी। प्यारा सिंह ने अपनी जवानी वेले साइकिल चलाउणा भी नहीं सी सिखिया। ओ हमेशा पैदल चलण नूं ही तरजीह दिंदा सी। अज भी ओ तुरिया जा रहा सी। उस दे नेड़े साइकिलां उत्ते बुड्ढे बुड्ढियां कुड़ियां मुंडे लंघी जा रहे सन। साइकिल चलांदे हुए लोकां नूं देख के ओ सोचण लग पिया, उसने साइकिल चलाना क्यों नहीं सिखिया, क्यों ना उसने समय दा हानी बन के विज्ञान दी इस खोज दा लाभ लिया। प्यारा सिंह इउ सोचां विच डुब्बिया तुरिया जा रहा सी। पिछों एक साइकिल सवार ने आवाज मारी, बाबा वेख के तुर, बाग विच सैर कर रहा है। प्यारा सिंह दे विचारां दी लड़ी टुट गई। प्यारा सिंह तुरिया जा रहा सी, एने नूं एक साइकिल ते बुड्ढी लंघी। ओ अगे जाके रुक गई, शायद टायर विच फूक कट सी। बुड्ढी ने साइकिल दे हैंडल नाल लटकदे चोड़े चो पंप कढ़िया ते फूक भरनी आरंभ कर दित्ती। एने नूं प्यारा सिंह भी उत्थे पुज गया। प्यारा सिंह ने बुड्ढी नूं पुछिया, तुसी कदों सिखिया साइकिल? बुड्ढी ने उत्तर दिता, मैं हाले थोड़ी देर तो ही साइकिल चलाउणा सिखिया है। मैं जद साइकिल सिखण लगी तां लोकां ने बहुत मखौल कीते, पर मैं अपने कन्नां विच रूह दे रखी ते किसे दी गल ना सुनी। हुण मेरी रीसे साडी गली दियां सब बुड्ढियां ने साइकिल सिख लिया है। हुण मैनूं बड़ा आराम है। प्यारा सिंह फेर सोचां विच पै गया। ओ अगे तुर पिया। एक संत पिछों साइकिल ते आया। संत दियां लम्मियां लम्मियां जटा सन। पिंड नंगा सी। लक गेरू रंग दी चादर पहनी हुई सी। हाथ विच चिमटा सी। प्यारा सिंह संत नूं साइकिल चलाउंदे वेख के हैरान रह गया। तुरे जांदे बाबे नूं वेख के संत रुक गया। तुसी भी साइकिल चलाउण लग पए हो? प्यारा सिंह ने संत नूं पुछिया। बाबा जी, की साइकिल चलाउणा पाप है? संत बोलिया, पाप तां नहीं। प्यारा सिंह कुछ कहंदा कहंदा रुक गया, पर संत विचों कट के बोलिया, फिर तुसी बाबा जी केड़े वैणा विच पए हो? अजकल केड़ा जमाना है पैदल तुरन दा? बाबा जी, समय दे नाल तुरना चाहिदा है। समय दे नाल ना तुरना अपनी अते आले दुआले दी मौत होया करदी है। अगो किते जाना हुंदा सी ता पैदल जान नाल किन्ना समा लग जांदा सी, पर कई वारी किन्ना किन्ना चिर बस या टांगा उड़ीकना पैंदा सी, किन्ना किन्ना चिर अड्डे ते खड़ना पैंदा सी। अंत मैं ए साइकिल खरीद लिया। हुण बड़ी मौज है, जिथे जाना हुंदा है उथे झटपट पुज जाईदा है। कद को सिखिया ए साइकिल? प्यारा सिंह ने हैरानी नाल पुछिया। बस 10 दिन होए ने, संत ने उत्तर दिता। किन्ने दिन लगे सन सिखण नूं? प्यारा सिंह ने फेर पुछिया। 2 मसी लगे सन। इस विच है कि झट आ जांदा है, संत ने हसदिया कहा। कि मैं सिख सकदा हां? प्यारा सिंह ने पुछिया। तुहानू की होया? तुसी चंगे भले हो, मैं तुहानू 2 विच सिखा सकदा हां बाबा जी। हां, तुसी चले किथे हो? संत ने बड़े प्यार नाल कहा। लोहगढ़ दे दरवाजेओं दवाई लैण चलिया। प्यारा सिंह बोलिया, आओ फेर लै चला, मैं भी उधर ही जाना है। मैनू बिठा के ना चलोगे? प्यारा सिंह ने डरदिया कहा, इस विच की है, मैं ता कई बारी 2 जनिया नूं भी बिठा के लै जाया करदा हां। संत ने उत्तर दिता। डरो ना, पिछे बैठो। प्यारा सिंह ने ना ना करदिया संत ने उसनूं पिछे बिठा लिया। आप अग्गे उहदी लत वड़ा के साइकिल ते चढ़ गया। अग्गे कई बारी उस दे मुंडे ने उसनूं साइकिल दे पिछे बैठण लई कहा सी, पर ओ कदे नहीं सी मन्निया। अग्गे ओ साइकिल ते बैठणों बहुत डरिया करदा सी। अज ओ अपने आप नूं बहुत हल्का महसूस कर रहा सी, क्योंकि अज ओ अपने आप नूं समय दा हानी समझ रहा सी। अज उस दे अंदर साइकिल सिखण दा विचार भी पैदा हुंदा जा रहा सी। बाबा जी, जदों तक शरीर ठीक है समय नाल तुरना चाहिदा है, नहीं तां समा तुहानूं खा जावेगा। ए
ਮੈਂ ਵੀ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾਓ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸੰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਰੇੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? 8 ਵਜੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।